Dear students, today I am going to start the next paragraph of this lesson and explaining this paragraph in Hindi. Please listen it carefully. And for all this, Evelyn would not accept any hint of heroic achievements. If you work hard and know where are you going, where you are going, you will get there. And she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some thousand instruments and hectic international schedules. Correct. And for all this, or in सबके लिए, and for all this, in सबके लिए, एवलिन वुड नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट. एवलिन ने नायक की उपलब्धि का कोई चिन्ह भी स्वीकार नहीं किया. यानी कि कोई चिन्ह जो है उस तरह का स्वीकार उसने नहीं किया. इफ करे कि इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, एंड नो और जानते हो वेयर यू आर गोइंग कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो यू विल गेट देयर, निश्चित ही तुम वहाँ पहुँच जाओगे. एंड सी गॉट राइट टू द टॉप, और उसके बाद जो है वह ठीक जो है उच्च शिखर पर पहुंची, अर्थात वहाँ जो है वह पहुंच चुकी. द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर पर मल्टीपर्क्यूशनिस्ट विथ ए मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड इंस्ट्रूमेंट्स कह रहा है कि और वह अर्थात संसार के सबसे अधिक और लोकप्रिय विविध प्रकार के वाद्य यंत्र संगीतक, जिसकी कोई 1000 से अधिक अर्थात 1000 से अधिक संगीत यंत्रों में प्रवीण थी. मतलब जितने भी यह वाद्य यंत्र थे वो उन सभी में प्रवीण हो चुकी थी. एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और साथ में जिसका बहुत ही व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम था. समझ में रहा करे कि इट इज़ इंटरेस्टिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो इफोर्टलेसली विदाउट हियरिंग. इन आवर टू हावर्स डिस्कशन सी नेवर मिस्ड अ वर्ड. मेन विथ बिजी बियर्ड गिव मी ट्रबल, सी लाफ्ड. इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज़ द होल फेस, स्पेशली द आईज. She speaks flawlessly with a Scottish tilt. My speech is clear because I could hear till I was 11, she says, but that does not explain how she managed to learn French and master basic Japanese. देखिए इसका अर्थ मैं बता रहा हूँ. 6 नंबर का करेक्ट. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो इफोर्टलेसली विदाउट हियरिंग. मतलब एवलिन को श्रवण शक्ति की हीनता के अभाव में बिना अधिक परिश्रम के कार्यरत देखना बहुत ही रोमांचक लगता था. मतलब उसको सुनाई नहीं देता था, फिर भी इतने सारे चीज़ों के बावजूद उन सभी कार्यों के अभाव परिश्रम के कार्य देखना बहुत ही रोमांचक लगता था. आगे, इन आवर टू हावर डिस्कशन सी वेयर सी नेवर मिस्ड अ वर्ड. इन आवर टू हावर डिस्कशन सी नेवर मिस्ड अ वर्ड, अर्थात हमारे 2 घंटों के वार्तालाप में उसने कोई भी शब्द अनसुना नहीं जाने दिया, कोई चीज़ जो है मिस्ड नहीं किया 2 घंटों के वार्तालाप में. मेन विथ बिजी बियर्ड गिव मी ट्रबल, फिर कह रहा है उसने हंस कर जो है लंबी दाढ़ी वाला एक पुरुष मुझे परेशानी देता है. एंड सी लाफ, उसने हंसकर कहा. इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप, इट इज़ द होल फेस, स्पेशली द आईज. सी स्पीक्स रहा है कि अर्थात सुनने का अभाव करने के लिए केवल होठों को ही नहीं देखना होता है, सारे चेहरे को देखना होता है, विशेष रूप से आंखों को देखना होता है. She speaks flawlessly with a Scottish lilt,
और वह स्कॉटलैंड के लहजे में बिना बाधा के बोलती है, मैंने कोई बाधा नहीं होता है। माई स्पीच इज क्लियर, मेरा जो भाषण है, मेरा जो बोलने का तरीका है वह बिल्कुल जो है स्पष्ट है। क्यों? बिकॉज क्यों? आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। क्यों? क्योंकि मैं 11 वर्ष की आयु तक सुन सकती थी। सी सेज, वह कहती है, बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज्ड टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। परंतु इसमें वह वर्णन प्राप्त नहीं होता है कि उसने किस प्रकार फ्रेंच को सीखा और कैसे जापानी में पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया, ऐसा जो है कोई इसमें ये नहीं मिलता है। नेक्स्ट पैराग्राफ आइए देखते हैं। एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन, इट प्योर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी एंड इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर्स। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing of the stick into her fingertips. By leaning against the drum, she can feel the resonance flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration passes through her bare feet and up her legs. चलिए इसका अर्थ मैं आपको बताता हूँ। 7 नंबर का तो रहा है कि एज फॉर द म्यूजिक सी एक्सप्लेन्स इट प्योर इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। कह रहा है कि संगीत के लिए यह स्पष्ट करती है कि यह मेरे शरीर के सभी हिस्से में बहता है, मतलब बताती है कि जो है संगीत जो है ये मेरे शरीर के सभी हिस्सों में क्या होता है, फ्लो होता है, प्योर्स होता है, उड़लता है, बहता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, माय चिक बोन्स एंड इवन इन माय हेयर। यहाँ तक वो बोलती है कि यह मेरी चमड़ी, मेरे गाल की हड्डियों तथा यहाँ तक की गुजरती हुई आवाज़ का अनुभव कर सकती है, मतलब यहाँ तक कि उसके बालों में भी सुई जो है, यह चीज़ जो है सुई की तरह चुभता है। कब? When she plays the xylophone, जब वो xylophone बजाती है, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips। और इतना ही नहीं, वह छड़ियों से होते हुए अपनी उंगलियों के, अर्थात जब वह जो है बजाती है उसको, तो अंगुलियों के जो बीच की जो कड़ियाँ होती हैं, अंगुलियों के बीच का जो जगह होता है उससे गुजरते हुए आवाज़ का अनुभव कर सकती है। बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, किसकी तरफ? बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, तबले के ऊपर झुकने पर। बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, तबले के ऊपर झुकने पर सी कैन फील रेसोनेंस फ्लोइंग इन टू हर बॉडी। और कह रहा कि तबले के ऊपर झुकने पर क्या है, वह अपने शरीर से इसको कंपन की गूंज का अनुभव कर सकती है, अर्थात अपने शरीर के अनुरूप जो है उसके कंपन का अनुभव कर सकती है। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव्स हर शूज, कह रहा है कि लकड़ी के ऊपर अपने वह जूते को उतार देती है, मतलब वहाँ जाती है तो एक प्लेटफॉर्म होता है, एक जगह होता है, वहाँ पे अपने जूते को क्या कर देती है, रिमूव कर देती है। एंड सो डैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट विथ हर लेग, इसलिए ताकि कंपन उसके नंगे पैरों से होकर उसके टांगों के ऊपर से जा सके। समझ में आ रहा है? तो ये जो है इस वीडियोज़ में मैं यहीं तक हिंदी एक्सप्लेन कर पाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और अगले वीडियो में नेक्स्ट पैराग्राफ के हिंदी वर्जन को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।